नमस्कार दोस्तों, पूरे हरियाणा के अंदर इस समय चुनावी जो फिजा है बहुत तेजी से चल रही है। यानी कि सावन का जो महीना चल रहा है और सावन के महीने में जिस प्रकार की मस्त फुहारें हैं, तो इस रिमझिम फुहार को गर्माहट किया हुआ है राजनीति ने, क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है। 3 नवंबर तक हरियाणा की विधानसभा बन जानी है, नई सरकार बन जाएगी, और उस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल, तमाम पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट सभी लोग लगे हुए अपने स्तर पर। और इस बीच में बात ये आ जाती है कि विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों की उम्मीदें क्या हैं, कैंडिडेट कौन हो, कैसा चेहरा हो, किस चेहरे पर लोग विश्वास करें, शिक्षा स्वास्थ्य से इस सब तमाम मसलों को लेकर के ये लोगों के बीच में एक सवाल होते हैं कि उनका जो नुमाइंदा आएगा उसकी इन सब को लेकर के राय क्या है, सोच क्या है, और उनके पास में उनकी आइडियोलॉजी क्या है कि वो क्या करना चाहते हैं। हम लगातार आपसे तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हो सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं। और आज इसी श्रृंखला में मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ हथीन विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे एक, उनको मैं शिक्षाविद कहूँ, उनको मैं पर्यावरणविद कहूँ, उनको मैं एक जल पुरोधा कहूँ, मतलब कितने ही नाम दे सकते हैं, आपको विस्तार से बताएंगे आगे। ऐसी एक शख्सियत जो हरियाणा सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं, सिंचाई विभाग से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद तक वो पहुँचे। नाम है शिव सिंह रावत और मैं आपके साथ रूबरू हूँ उनके साथ में। रावत साहब, आपका बहुत स्वागत है देश रोजाना पर। धन्यवाद मंगू जी। सबसे पहले तो देश रोजाना के दर्शकों को और आपको जो सावन महीने का जो आज शिवरात्रि है, जो महापर्व है, उसकी शुभकामनाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस प्रोग्राम में मुझे आपने समय दिया। जी, मैं आगे सवाल जवाब पर आऊँ उससे पहले आपको बताऊँ कि डॉक्टर शिव सिंह रावत PhD हैं। उनकी जो PhD है वो यमुना बचाओ पर है, यानी कि यमुना साफ कैसे हो, यमुना पवित्र कैसे हो, यमुना स्वच्छ कैसे हो। अगर आप माने तो ना केवल हरियाणा, ना केवल दिल्ली, बल्कि जहाँ जहाँ यमुना बहती हैं वहाँ वहाँ एक बड़ी समस्या है कि यमुना के पानी से लोगों के बीच में बड़ी बीमारियाँ तक जा रही हैं। चाहे वो छठ पूजा का उत्सव हो या कोई और पर्व त्यौहार हो, जब लोग नदियों में जाके आचमन करते हैं तो उनको उल्टे पैर होना पड़ता है। उस सबको लेकर के डॉक्टर शिव सिंह रावत ने PhD की। इसके साथ साथ खासकर अथीन विधानसभा क्षेत्र के गांवों में, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, चाहे वो सोलर एनर्जी को लेकर के हो, चाहे वो जल संरक्षण को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, तमाम क्षेत्रों में काम किया है। कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या उनकी गतिविधियाँ रही, विस्तार से तो एक बार डॉक्टर शिव सिंह रावत जी खुद ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, यमुना बचाओ पर जो आपकी यात्रा थी, आपका मैं जो पोस्ट देखिए, आप भी देखिए, एक पोस्टर है इनका, ये वर्क फॉर यमुना कैंपेनिंग, यमुना बचाओ पदयात्रा 17 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक। खैर राव साहब, यमुना पर जो आपने PhD की, आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे जो एरिया में, खासकर पलवल में और ब्रिज के एरिया में यमुना जी का बहुत महत्व है, उसके अंदर आपको क्या लगा और क्या किया जाना चाहिए जिससे यमुना पवित्र और स्वच्छ हो? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यमुना पर PhD करने का विचार क्यों आया, मैं सिंचाई विभाग में था जी, तो पानी विषय रहता है, नहरों का विषय रहता है, और क्योंकि यमुना से ही सारा पानी हमारे इस एरिया को आता है। हम जब देखते थे कि सोनीपत से आगे की जो यमुना का पानी है वो साफ सुथरा है, नहरों में पानी साफ सुथरा, जैसे हम आगरा कैनाल, गुड़गांवा कैनाल को देखते हैं ओखला के बाद, तो देखते हैं सारा गंध है जी। तो ये मन में विचार को कि भी इसको स्टडी करना चाहिए, तो इसलिए मैंने IIT में एक एग्जाम हुआ इन जॉब के लिए, उसमें मैंने फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो पार्ट टाइम मैंने PhD किया जी। और वहां देखा कि भी यमुना की हालत जो जिस तरह से खराब हो गई है, उसके कारण मोटे मोटे सभी को पता है वैसे तो, क्योंकि अगर हम दिल्ली के आसपास की यमुना की बात करें तो जो दिल्ली का गंध है, चाहे वो सीवेज का है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे वो हमारे रिलीजियस जो हम वेस्ट डालते हैं, चाहे किसानों का जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स जा रहे हैं, वो सब अल्टीमेटली जाके नदी नालों के माध्यम से नदी में, यमुना में जा रहे हैं जी। और उन्हीं से ओखला में हमें आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल से पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए, और वही केमिकल्स हम खेती में यूज कर रहे हैं, पशुओं के पीने के लिए भी वही हो गया। तो पूरे फूड चेन का पार्ट है, चाहे वो पशु का भोजन हो चाहे हमारा भोजन जी, हो जी, जी। और वो धरती माँ के अंदर भी जा रहे हैं। हाँ। तो सॉइल की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की,
वो भी कम हो रही है, ग्राउंड वाटर सलाइन हो गया, नीचे चला गया, तो ये मल्टीपल इश्यूज हैं। जी जी। और हमें पानी मिल रहा है बहुत कम, जितना हमारा क्वालिटी खराब है। तो ये मन में गंभीरता से विषय आया, तो मैंने इस पे पीएचडी की। जी। फिर रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा यार थ्योरेटिकल काम तो बहुत हुआ, अब सकारात्मक इसको भूमि पर मतलब ग्राउंड पर कैसे उतारा जाए, तो हमने ये यात्रा प्लान करी। जब तक नौकरी में होते हैं कई बाध्यताएं होती हैं, पर जब नौकरी से हट गए तो फिर उसके बाद में सोसाइटी, उसमें लिमिटेशन भी है भाई, आपकी पावर डिफाइंड है, आप इससे ज्यादा काम नहीं, या जिस क्षेत्र में आप लगे हो वही काम कर सकते हो, दूसरे में नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य से मैं इधर कम ही रहा जी, तो वो इसलिए मौका भी नहीं मिला ज्यादा। जी जी। तो हमने फिर यात्रा शुरू की, तो गाँव में लोगों से मिलना शुरू किया, हमें ऐसे ऐसे गाँव मिले जहाँ चरम रोग इतने बड़े हैं, कैंसर के रोग, लोग ऐसे गाँव है होटल के आसपास के, तो जो हर साल हर परिवार में से एक दो मौतें हो रही हैं। कई गांव ऐसे भयंकरता हुई। हाँ जी जी जी। तो इतनी भयंकरता इस चीज की है, तो हमें ये बड़ा कठोर चाहिए विषय। फिर मैं 2022 में भारत सरकार के 20 अधिकारी इसराइल गए थे। इसराइल देश को पानी और किसान कृषि के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, छोटा सा देश है वो, वहाँ अपना पानी भी नहीं है, समुद्र का पानी है या सीवेज का पानी है, तो वो इतनी टेक्नोलॉजी से उसे पीने योग्य बना रहे हैं समुद्र के पानी को, तो हम क्यों नहीं बना सकते इसको। तो ये विचार जब कोंदा, तो हमने कुछ कंपनियों से बात करी, कुछ लोगों से बात करी, तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल तरीके से साफ करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे इस पानी को आसानी से साफ किया जा सकता है, और खेती के लिए तो 100% किया जा सकता है। आपने ये सारी जो गवर्नमेंट में अधिकारी भी थे, आपने प्रोजेक्ट सरकार के पास पहुंचाए नहीं? जी जी जी, हमने पहुंचाए हैं, हमने एक दो पायलट प्रोजेक्ट भी किए, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि हर चीज की लिमिटेशन है जी, कहीं बजट का इशू है, कहीं आपका क्षेत्र नहीं है, फिर आप उसमें काम कर रहे हो, तो बहुत इश्यूज आते हैं जी, ऐसे मेटेरियलाइज नहीं हो पाई। ये तो यमुना पर हुआ जी। दूसरा, राजनीतिक गतिविधियों पर बाद में आएंगे, पहले सोसाइटी वाली समाज वाली बातें कर लेते हैं। आप नौकरी में रहते हुए भी, और अब पिछले दिनों भी जो मेरा पूरा पुरुष संस्थान था वहाँ भी, और आजकल भी आपके कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, उनके अंदर एक होता है सोलर एनर्जी वाले आपके, दूसरा मैंने आपको कई बार देखा लाइट्स वितरण का आपका कार्यक्रम चला वो, तीसरा हमने देखते हैं कि आपने सिलाई सेंटर वाला भी आपका था एक की कन्याओं के लिए, और चौथा, ये सारे मर्ज कर लेते हैं और इकट्ठा आपसे जवाब ले लेंगे। चौथा आपका मैंने देखा था कि कुछ सोसाइटियों के साथ या एनजीओस के साथ मिलकर के आप शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर ये हथीन विधानसभा जो क्षेत्र है या पलवल का एरिया सारा है, जितना भी रूरल एरिया है, उन सब में इसकी मस्ट नीड है, बहुत जरूरत है इसकी। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर कितने और काम की जरूरत है? देखिए, ये आपने ऐसा प्रश्न किया है जो एक चिंगारी वाला मामला है। दुर्भाग्य देखिए कि शिक्षा की अगर मैं बात करूं, जहां हरियाणा 80% लिटरेसी रेट की बात करती है, पलवल 70%, हथीन 58%, और हथीन में महिलाओं की स्थिति 35%, और खासकर अगर मैं मुस्लिम मिला और उसमें जाए तो वो 20% रह जाएगी, कम हो गया। तो हम देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हम राष्ट्रीय राजधानी से मुश्किल से 80 किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर हम, वैसे हम एनसीआर का पार्ट भी है, तो उस सबके होते हुए 75 साल में शिक्षा का ये हाल है, तो गंभीर विषय है जी। तो क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, 10वीं सरकारी स्कूल बहिन से की है, टाट की पट्टियों पे बैठ के की है, और फिर मैं IIT तक PhD कर गया जी, और फिर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर तक पहुंच गया, तो ये सारा शिक्षा का खेल है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने शिक्षा में जरूर ध्यान दिया, उसकी वजह से मैं इस लेवल तक पहुंचा। तो मेरे मन में शिक्षा को लेकर बहुत इस पीड़ा है इस एरिया के लिए, तो मैंने कुछ चीजें ऐसे करी कि मैंने बहुत सारे कंपनियों से, एनजीओ से मिलके एक कंपटीशन कराया यहाँ पर, 1000 बच्चे हथीन क्षेत्र के उसमें अपीयर हुए, 120 बच्चों को हमने 500 रुपये महीना 2 साल के लिए वजीफा उनके डायरेक्ट अकाउंट में, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। तो ये किसी कंपनी से था, कंपनी और एनजीओ के CSR के CSR से जी जी। तो ये एक हम धरातल पर ऐसा बदलाव चाहते हैं सकारात्मक, जो किसी ने सोचा नहीं। मैं एक बात जोड़ता चलूं कि अधिकारी बहुत होंगे हमारे इलाके में भी, चाहे वो पलवल हो, फरीदाबाद हो, कोई क्षेत्र होंगे, अधिकारी जुडिशियल पोस्टों पर, बड़ी पोस्टों पर बहुत अधिकारी होते हैं, लेकिन बात सोच की आती है कि CSR का पैसा, कंपनियों की फंडिंग हो, वो भी होनी है, लेकिन उसको एक किसी ऐसी जगह लगाया जाए जिसके सार्थक परिणाम हो। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए तो आप वाकई बधाई के पात्र भी हैं कि आपने शिक्षा जैसे क्षेत्र में CSR का जो फंडिंग हुई, और जिससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। खैर, आगे आप बताएं। तो उसके बाद में फिर हमने 400 के करीब लड़कियों को गुड़गांव की IT कंपनियों में भ्रमण कराया, उनका एक्सपोजर कराया कि भाई
आईटी कंपनी या आईटी इंजीनियर कोई ऊपर से उतर के नहीं आ रहे, वो ग्रामीण अंचल के ही बच्चे हैं। हमने उस कंपनी को ये कहा कि भाई ऐसे बच्चे होने चाहिए जो रूरल बैकग्राउंड के हों, जो उनसे इंटरेक्ट करेंगे जी। और जो ऐसे भी हों उनमें से कुछ जो आठवीं दसवीं ग्यारहवीं कहीं फेल भी हुए हों, जिससे हमारी बेटियां मोटिवेट होंगे, कोई अलग से नहीं है हमारे जैसे ही। तो आप ये देखो, अगली बार हमने उस कंपनी से हमने कहा भाई इनके उनके पेरेंट्स को भी बुलाओ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है दसवीं के बाद लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, कोई बारहवीं के बाद नहीं भेजता। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, गुड़गांव लेके गए उसी कंपनी में दोबारा से, उनको ये समझाया गया कि भाई देखो तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, यहाँ पहुंच सकती है। तो हम इस तरह से जो औरतों का या कहते हैं हम जो फीमेल लिटरेसी रेट है उसको कैसे बढ़ावा दें, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक ही नहीं रखा हमने इसको, आगे और फ्यूचर में वो कहां तक पहुंच सकती है उस विषय को लेकर हमने काम किया। इसी में जो आपने सिलाई सेंटर की बात करी उसमें हमने जोड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को कौशल बनाओ, जिससे कि वो अपनी आजीविका खुद कमा सके, किसी के भरोसे ना रहे। तो हमने पिछले 7-8 सालों से मेरा जो पैतृक घर है गाँव में, हम तो सब लोग नौकरियों के चक्कर में इधर उधर हो गए थे, तो उसमें हमने ये सेंटर चलाया हुआ है बहिन में जिसमें 20 से 25 कभी 30 लड़कियां वहाँ सिलाई, वो हर वर्ग की हैं, चाहे वो औरतें भी हैं लड़कियां भी हैं, हर समाज के हर हिस्से से आती हैं। मैं आपको बहिन के बताता चलूं कि बहिन जो है वो रावतपाल की राजधानी मानी जाती है, हथीन विधानसभा क्षेत्र का गाँव बहिन है, और जो रावतपाल के जो मैं ये कहूँ कि जो पुरोधा रहे या जो हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म के लिए जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान किया दादा कान्हा, तो उनकी जन्मस्थली कर्मस्थली और उनकी आज प्रतिमा भी स्थापित है उसी बहिन में, तो उसी बहिन से आते हैं डॉक्टर शिव सिंह जी। ये मेरा सौभाग्य है कि दादा कान्हा रावत जहाँ जन्मे उस गांव में मैंने जन्म लिया, उन्होंने उस टाइम के हिसाब से जो परिस्थितियां थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जी। हम जो आज की परिस्थितियां वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्वास्थ्य है, सिंचाई के संसाधनों की कमी है, ये भी उसी तरह की समस्या है, क्योंकि आज की समस्या कुछ और है बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनका अंश होने की वजह से इन चीजों के खिलाफ लड़के, एक लड़ना अलग चीज है और उनके के लिए काम करना धरातल पर लाना वो कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल 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 जी। तो इसी विषय में फिर हमने क्या किया, अगर मैं औरतों की बात करूं, सिलाई सेंटर हो गया ही, उसके बाद अभी रिसेंटली हमारा बहिन स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गर्ल्स का, वहां पर मैं एक दिन गया था तो वो कहने लगे जी एनसीसी की लड़कियां हैं, वो शूज नहीं है उनके पास, पीटी शूज जो होते हैं। तो हमने फिर सीएसआर में बात करी, 150 लड़कियों को स्पोर्ट्स शूज दिलवाए, 350 लड़कियों को, सबसे भारी समस्या हमारे यहाँ लेडीज की हाइजीन है जी, जिस पर कोई भी गंभीरता से काम नहीं कर रहा, लेडीज भी नहीं कर रही, नहीं कर रही बिल्कुल, अभी भी कपड़ों से और जो ट्रेडिशनल सिस्टम से ही है उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो हमने क्या किया कि भी कुछ कंपनियों से और सीएसआर वो अगेन एनजीओ से बात करी, और 300-350 लड़कियों को एक साल तक रियूजेबल होने वाले सैनिटरी पैड की किट उनको दिलवाई, 1-2 घंटे का सेशन कराया कि इनको कैसे यूज करना है, कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, 1 महीने के लिए एक यूज होता है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाया। और हमारा ये विचार है कि हम अगले 5-4 महीनों में हथीन के जितने भी ये स्कूल हैं लड़कियों के उनमें इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि खासकर मेवात का जो इलाका है वहां पर अगर आप देखें तो महिलाओं के अंदर उनके हीमोग्लोबिन कम होना, उनका महिलाओं के अंदर खून की कमी होना, और कई बार तो डिलीवरी के दौरान खून की कमी के चलते महिलाओं की मौत तक हो जाती है, और इस काम को अगर देखें आप तो पूरे राष्ट्र के लेवल पर पूरे देश के लेवल पर ये जो तमाम बड़े एनजीओज हैं उनकी पहल होती है कि हाइजीन महिलाओं के अंदर जरूरी हो, और उनको जो सैनिटरी पैड्स हैं यानी कि जो मेंसेस के महावारी के दौरान में जो उनकी मूल जरूरत है वो मिले। तो डॉक्टर साहब इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, जरूर कहेंगे इसके लिए भी कि एक बहुत अच्छे काम जो देखिए चुनाव लड़ना चुनाव के अंदर उतरना बड़ी कॉमन बातें हैं, नेता बन जाना ये बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन समाज के लिए आप अपने दायित्व का निर्वहन करें ये बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब इन चीजों के बीच में कई बार कोई रोड़े भी जरूर आते होंगे, कोई बाधाएं, ये तो देखो जब आप समाज में कोई डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जब आप महिलाओं को जागरूक करने जाएंगे तो पुरुष प्रधान सोच का हमारा साथ वो इश्यू आता है, लेकिन क्योंकि मैं 10-12 साल से लगा हुआ हूँ तो लोगों को पता भी करके मानेगा जी क्योंकि मेरे को इस तरह का एक इमेज हो गया भी ये तो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपने एक बात करी कि महिलाओं में जो आप B12 की और उसकी बात कर रहे हैं कैल्शियम उन सब की, ये बिल्कुल गंभीर विषय है, तो इस विषय को भी हमने ध्यान में रखते हुए
150 गांवों में 5,00,000 फल वाले पौधे वितरित किए जी, कि भाई जो किसान ने आधा एकड़ में लगाया वो तो बेच भी सकता है, इनकम कमा सकता है। जो हम कह रहे हैं रोजी रोटी किसान की बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, जो मोदी जी भी आदरणीय मोदी जी भी ये कहते हैं किसान की आमदनी बढ़ानी है, एक वो मुद्दा उठाया। दूसरा, जो 2-4-5 फल लगा रहे हैं तो घर का आदमी खाएगा, तो वो जो कमियां उनके अंदर आ रही है विटामिन की मिनरल्स की, वो फलों से कुछ ना कुछ दूर होंगी। ये इस इतनी माइन्यूटली हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब से शुरू किया था पौधा? ये हमने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज 2017-16 से शुरू किया। मैं आपको बताता चलूंगा, अभी प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि माँ के नाम यानी कि जननी के नाम, जननी के नाम यानी कि नारी के नाम, और नारी के नाम मतलब कि नारी सुदृढ़ हो। और ये सोच कह सकते हैं कि जिस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं डॉक्टर शिव सिंह रावत, उस काम को 7 साल पहले कर रहे थे जी डॉक्टर साहब। और अभी 2-3 दिन पहले हमने हथीन में 200 छायादार पौधे लगवाए इसी कड़ी में कि एक पेड़ माँ के नाम, तो जिसमें हथीन शहर के सारे प्रबुद्ध लोग थे और वो बहुत अप्रिशिएट हुआ। तो जो फल वाले पौधे लगाने की जो मुहिम का ये समझे कि अगर आयरन वाले फल होंगे, फल के अंदर अमरूद होगा, जामुन होगा, अनार होगा, हमारे आराम से हो जाते हैं। ये जो जिस गांव में होते हैं वही लगवाए सभी आयरन से। और जी बिल्कुल, हमने बहुत माइन्यूटली लोगों से डिस्कस करके ये चीजें करी हैं। मतलब आप माने कि पर्यावरण संरक्षण हो गया उसके अंदर, और खासकर एक जो समाज का आधा हिस्सा है उसकी सेहत, उसकी शिक्षा और उसके तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए। राव साहब, अब आते हैं अगली बात पर। आजकल आपने एक अभियान चलाया हुआ है और उसका नाम है एक अभियान बदलाव की ओर, सकारात्मक बदलाव के लिए घर घर दस्तक, सकारात्मक बदलाव के लिए घर घर दस्तक, घर घर यानी कि हर डोर को नॉक करना एक अच्छे बदलाव के लिए जी। लक्ष्य क्या है उसका? लक्ष्य जैसा कि अभी आपने बताया कि राजनीति का जो विकृत रूप हुआ है पिछले कुछ सालों में वो बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहता हूं या मेरा विचार है कि जब मैंने ये चीजें करनी शुरू की समाज के अंदर, मेरा कोई राजनीतिक वो नहीं था कि मेरी सोच भी नहीं थी, जब मैं धीरे धीरे करने लगा, लोगों से मिलने लगा, उनकी समस्या हल होने लगी, तो उनमें एक फीलिंग जागृत हुई कि भाई ये आदमी एक होप है क्योंकि ये समाज को दे रहा है कुछ जी। वो मेरा जो कॉन्सेप्ट गिविंग बैक टू सोसाइटी है उसको लोगों ने धीरे धीरे, शुरू में तो थोड़ा रेजिस्टेंस रहा, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कोई अफसर होके या कोई ऐसे भला क्यों करना चाहता है किसी का, तो धीरे धीरे उनको लगा भाई नहीं ये काम कर रहा है, समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो उनको उन्हीं की तरफ से कुछ कुछ फीलर्स आने शुरू हुए कि भाई रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप, वैसा क्यों नहीं कर लेते। तो शुरू के 5-4 साल तो हमें इस बात पर कोई ज्यादा लगा नहीं। रिटायरमेंट कब की आपकी? मेरी 23 में हुई है, जनवरी 2023 में, 1.5 साल हो गया जी। तो 19 के आसपास लोगों ने इस चीज को चलाना शुरू किया, तो फिर थोड़ा थोड़ा लगा कि भाई ठीक है अगर समाज ऐसा चाहता है, और हम कोई बुरा नहीं कर रहे, और राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो विकल्प तो दिया नहीं आपने, तो वही विकृत प्रवृत्ति के लोग आएंगे जी, क्योंकि पार्टियों के पास भी ऑप्शन नहीं है, 5 आदमी ये विकृत हैं तो उन्हीं में से कोई एक लेना पड़ेगा, तो वो एक विकल्प हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, दो चीजें मानी जाती हैं, एक तो राजनीति के अंदर अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अच्छाई की आप उम्मीद नहीं कर सकते, और दूसरी बात दोस्तों ये आ जाती है कि जो भी हम डॉक्टर साहब से बात सारी कर रहे हैं और अभी आपके साथ लगभग थोड़ी देर और भी रहेंगे, एक सकारात्मक बदलाव अगर आपने करना हो, या फिर अगर एक सोसाइटी का महत्वपूर्ण पार्ट है आज पॉलिटिक्स राजनीति, और अगर राजनीति के अंदर आपकी हनक होगी, आपकी खनक होगी, आपकी से होगी, अधिकारियों तक आपकी बात होगी, तो फिर आप समाज के लिए वो सब कर सकते हैं जो आपके मन में चल रहा हो। और मैं समझता हूँ कि जो अच्छे लोगों के लिए राजनीति में आने का एक प्रमुख कारण ये हो सकता है। मैं भी समझूँ बिल्कुल, मेरा कॉन्सेप्ट राष्ट्र प्रथम है जी। आपने शुरू किया कि भाई ये शायद हथीन तक ही है, देखिए लिमिटेशन है, जब आप अकेले कर रहे हो तो पहले घर से करोगे, फिर गांव से करोगे, फिर छोटे छोटे अड़ोसी पड़ोसी से करोगे, फिर थोड़ा बढ़ाओगे, जब आपके पास थोड़ा बहुत सामाजिक तौर पर पावर आनी शुरू होती है तो उसको आप बढ़ाते हो। विषय है कि आपका विचार क्या है, आपकी नियत क्या है, आपकी नियति क्या है, तो उसको लेकर अगर आप करेंगे तो ये जो हम अब यमुना वाली बात है वो अकेले हथीन के लिए तो नहीं है, 4 जिले पूरे प्रभावित होते हैं हरियाणा के, केवल 4 जिले बल्कि मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा के 4 राज्यों गुड़गांव पूरा उत्तर प्रदेश ब्रिज का एरिया पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, तो सबको फायदा होना, मेरा दिल्ली को होना फायदा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यूपी का जो उधर का एरिया लगता है वो सारा उसको लगना है। तो एक राष्ट्र प्रथम
और राष्ट्र के लिए आप कुछ कर सकते हो, ये एक भावना है जी, इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सकारात्मक बदलाव की ओर घर घर दस्तक, कितना कामयाब हो रहा है? जबरदस्त। क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोग कह रहे हैं जी आपको दिल से हम चाहते हैं और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप तो बस मैदान में रहिए। अच्छा, लोग अपने आप आपको पूछ के ले जाएंगे और टिकट देंगे। दिस इज दी रियल स्टोरी ऑफ दी टिकट पे बाद में। डॉक्टर साहब, जो अभी आपने भी कहा था और ये फैक्ट है कि राजनीति का जो स्वरूप है बहुत विकृत हो चुका है आज के समय में, जब राजनीति के अंदर धन बल, बाहुबल और ये तमाम प्रकार के छल बल दल ये सब हावी हो चुके हैं, आपकी जो छवि है अगर जहाँ तक मैंने देखा भी है आपको, इतना पास से तो नहीं देखा पर जितना देखा है उससे ये लगता है कि आपकी छवि एक भद्र पुरुष की, एक सामाजिक व्यक्तित्व की, एक लोगों के भले करने के काम की, और आज की राजनीति जो विकृत हो चुकी है, कितना अपने आप को इसमें पाते हैं, किस सांचे में ढाल पाएंगे या उस ढांचे को अपनी तरफ ढाल लेंगे उस सांचे को? देखिए, राजनीति में साफ सुथरी इमेज होना बहुत ज़रूरी है, नया चेहरा एक मायने रखता है। और जहाँ तक बात है मेरे विषय में, मैं बहुत तगड़ा हार्ड मास्टर हूँ, मतलब टास्क मास्टर, मुझे रिजल्ट लेना आता है। मैं फिर किसी भी तरह चट्टान की तरह मजबूत हूँ, वो मैं अड़ जाता हूँ चाहे मुझे उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़े, ये मेरी फिलॉसफी का पार्ट है जी। ये कहीं वो दादा काना के ही कुने आए हुए मेरे अंदर भी, वे कुछ करके गुजर रहे हैं, मतलब मंजिल पे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन राह ऐसी होनी चाहिए जहां पर मंजिल तक जाती जरूर हो, जाती जरूर हो, और लोगों को लगे भाई ये वाला राह जो रास्ता है ना यही सबसे अच्छा है, तो उसको लेके मैं काम कर रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा विकल्प नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो धन बल जो भी चीजें चल रही है, इसलिए जिस दिन विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अच्छा, पिछले समय में अगर देखें राजनीति के अंदर ऐसे बहुत सारे चेहरे आए कि जिन्होंने अपना स्थान बना लिया, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों चाहे, मैं तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिनूंगा, उसके साथ साथ तमाम राज्यों के अंदर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हुए, ये ऐसे लोग हुए, ऐसे चेहरे हुए कि जिनकी, या अब आज बलते हुए प्रवेश में जाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, सब नए चेहरे हैं और इनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं था, तो क्या समझते हैं आपके लिए शुभ संकेत है? बहुत अच्छा शुभ संदेश है, मतलब राजनीति में मैं वही कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे जब विकल्प आने शुरू होते तभी शुरुआत होती है, मतलब स्पेस बन रहा है, आपको लग रहा है अच्छा स्पेस बन रहा है। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं आपके साथ राव साहब, सारी आपने सोसाइटी वाली बातें बता दी, आपने सामाजिक कार्य आपने बता दिए, आपने जो आपका अभियान चल रहा है घर घर जा कर के नॉक करने का वो आपने बता दिया, लोगों को जागरूक करने का। राजनीति के अंदर एक चीज़ और होती है, देखते हैं कि फलां नेता फलां पार्टी से है, अभी तक मैं जहाँ तक देखता हूँ कि आपकी कोई पार्टी तय नहीं है, फिर आती है कि फलां नेता को फलां पार्टी से टिकट मिल जाएगा, हालांकि आपने खुद कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप शुरू रखो मैदान में डटो अपने आप ले जाएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो कौन सी पार्टी आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है, दूसरा आपको क्या लगता है कि किन के तक, जहाँ तक आप बात पहुँचाना चाह रहे हैं वो पहुँच रही है या लोग पहुँचा देंगे? लोग पहुँचा रहे हैं जी। अच्छा, मेरा जो आपने प्रश्न किया कि भाई किस पार्टी से आपका, देखो मैंने एक शब्द अभी यूज किया था थोड़ी पहले, राष्ट्र प्रथम। कोई पार्टी जो राष्ट्र के लिए काम करती करना चाहती है मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि और दूसरी बात जो मैं काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं किसानों के लिए, गांव के लिए। हमारे अगर पुराने जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनके स्टेटमेंट देखोगे तो वो कहते हैं भी भारत को अगर वास्तव में विकसित करना है, समृद्ध बनाना है, या जो विकसित भारत की बात हो रही है जो आज का अमृतकाल में जो ये बात हो रही है, तो जब तक ग्रामीण आंचल के लोगों को हम समृद्ध नहीं करेंगे, धारा में नहीं ले आएंगे बिल्कुल, तब तक अंत्योदय की जो बात कर रहे हैं हम, जब तक वो नहीं करेंगे, मैं जिस डिपार्टमेंट में से रहा उसमें तेल का बड़ा इशू रहता था, तेल को अंतिम छोर वाला, अंतिम छोर तक जाना, तो मेरा वो कॉन्सेप्ट यहाँ बड़ा अच्छा यूज हो रहा है जो मैं काम कर रहा हूँ, तो जो अंत्योदय की तरफ काम करें मैं उस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और क्योंकि मैं अंत्योदय पे काम कर रहा हूँ तो प्रजातंत्र में असली ताकत किसके पास है? वोटर के पास है, और वोटर कह रहा है, दिल से कह रहा है, ऐसे नहीं लिप सिंपथी के लिए, दिल से कह रहा है, रो रहा है वो कि भाई हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपको किसी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, या तो लोग खुदाएंगे जिस विचारधारा पे आप चल रहे हो, या फिर हमें इंसाफ तुम्हें, हाँ बड़ा क्लियर, मतलब मैदान में तो है जी, मैदान में तो है, परमात्मा की
आशीर्वाद से और लोगों के प्यार की वजह से। कोई और संदेश अंतिम अगर आप देना चाहें अपनी तरफ से, संदेश अपने क्षेत्र के लोगों के? मैं तो सभी के लिए देना चाहता हूँ, क्षेत्र के लिए। देखिए मेरा, हमारा दुर्भाग्य क्या है, सिंचाई, शिक्षा, हेल्थ में हम पूरा एरिया ही बहुत हालत खराब है। इसके लिए चाहे वो राजनेता जिम्मेवार हो, चाहे वो समाज जिम्मेवार हो, चाहे वो अधिकारी जिम्मेवार हो, जिन्होंने वो अपनी जिम्मेवारी ढंग से नहीं की, उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक अच्छा सुनहरी मौका है। इसमें मैं सारे लोगों से, सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भाई जो अच्छे लोग हैं हमारे एरिया में, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें, किसी से डरे नहीं और खुल के उनका साथ दें। यानी कि जब सकारात्मक बदलाव हो जाएगा, वही आपकी बात पर समापन करता हूं, जब बदलाव के लिए जो एक मुहिम होगी वो सकारात्मक चल पड़ेगी, तो फिर परिणाम खुद ही सार्थक और सकारात्मक होंगे। तो ये थे डॉक्टर शिव सिंह रावत, जिनके लिए मैंने आपको बहुत कुछ बताया। और आप चाहें तो मुझे लगता है गूगल पर भी आपको डॉक्टर शिव सिंह रावत के बारे में काफी कुछ बीच में मिल जाएगा। जी हाँ, थोड़ा सा जी जी जी, मैं एक चीज में भूल गया था। हाँ जी, शिक्षा की जब बात हो रही थी, मैंने कभी धर्म और जाति के ऊपर को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, भाई इसको नहीं करना उसको नहीं करना। आप खिल्लू का स्कूल में जाइए जी, CSR में उस स्कूल की हालत बदली हुई है। कभी अपनी टीम को भेजिए वहां, उन लोगों से बात कीजिए। पावसर और मीठा का गांव है, मैं मुस्लिम गांव है, 25-30 सोलर लाइटें लगवाई है वहां पर। हमने कहीं पौधारोपण जब किया तो 30-40 मेवों के गांव में करवाए हैं। हमने कभी भेदभाव धर्म पर या जात के नाम पर नहीं किया, सबको बराबर बराबर समग्र विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर, तो मानवता फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, और इसके साथ में सोसाइटी, समाज प्रथम। अगर समाज अच्छा होगा तो फिर सब अच्छा होगा। इस सोच के साथ आपके साथ एक बात और जोड़ते चलेंगे कि वाकई अगर राजनीति के अंदर अच्छे लोगों की एंट्री होगी तो आप मान करके चलें कि फिर आधी समस्याओं का तो खुद निदान हो जाएगा। तो इस विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम आपके साथ रूबरू हुए डॉक्टर शिव सिंह रावत से, और ये कारवां, ये अभियान निरंतर जारी है। आने वाले दिनों में भी आपके साथ में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हस्तियों से, अलग अलग शख्सियत से, चाहे वो सामाजिक हों या राजनीतिक, आपसे रूबरू कराते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद जी, नमस्कार।